नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने आज सपोर्ट से ही ऊपर चला गया। देखिए मैंने कल क्या बताया था कि देखिए 20,888 तक आने का संभावना है, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया कि 21,133 के लो लगा के ही मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया। देखिए देखते हैं कि ये मार्केट का एक पुल बैक है या फिर ये मार्केट का यही से सपोर्ट लेके मार्केट यहां से ही घूमने के लिए तैयार है। तो एक हम लोग काल समझेंगे कि मार्केट ने ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक दिया या फिर मार्केट यहां से घूमने का कोशिश कर रहा है, इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि मार्केट क्या करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आज आप देखेंगे निफ्टी के बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आज कैसे ट्रेड हुआ, देखिए सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे आज सी बाई किए थे और सी बाई किए करने के बाद हम लोग यहाँ पे सीधा के सीधा 100 पॉइंट का हम लोगों को मूवमेंट मिल गया, क्योंकि यहाँ तक हमारा पहला टारगेट था वहाँ पे हमला मिल गया। उसके बाद हम लोग कुछ मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी रखा था, उतना ज़्यादा नहीं, जो यहाँ तक चला गया तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ तक इतना दूर तक हम लोग नहीं रखा, तो यहीं पर हम लोग पूरा के पूरा बेच के चलाए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ट्रेड किया, मैंने आज दो तीन ट्रेड कर लिया, तीन ठो ट्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने जो ट्रेड किया, इस लेवल को जब भी तोड़ा, देखिए ये लेवल एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर मार्केट ने रुका था, तो उसके तोड़ने के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। और उसके बाद देखिए 45,444 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो हम लोग मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेड किया नहीं मैंने। तो उसके बाद जब भी इस एल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया तो वहाँ से थोड़े बहुत क्वांटिटी लेके यहाँ तक का सफर हम लोग बनाया, उसके बाद कुछ मैंने ट्रेड किया नहीं। उसके बाद जब भी इस लेवल का तोड़ा तो इस लेवल को देख के हम लोग यहाँ पे बाई किया और वहाँ पे भी हम लोगों को 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। तो आज के लिए जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बढ़िया है, एक भी ट्रेड भी लॉस नहीं है। कल जैसे लास्ट में थोड़े बहुत मेरे को लॉस हुआ था, मतलब प्रॉफिट तो था लेकिन वहां से थोड़े बहुत लॉस गया था, आज एक भी ट्रेड हमारा लॉस नहीं गया। ये था आज का ट्रेड। चलिए अब देख लेते कि कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए उसके पहले हम लोग कुछ आज देखेंगे, और आप लोगों के लिए एक सलाह है कि आप लोग हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9331419228, ओके इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रिलोड क्यों दिखा रहे हैं, चलिए यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि नेटवर्क का कोई इशू शायद आ गया है इस वजह से। चलिए आप देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल में जाएंगे तो नेटवर्क का इशू है तो उसके लिए कुछ हो जाएगा, तो चलिए 5 मिनट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़े बहुत रुकने के बाद जब भी इस लेवल को फिर से तोड़ेगा, मतलब 45,888 इसके जब भी तोड़ेगा तब देखना कि बड़ा बड़ा सा पॉइंट होगा। पहला वाला टारगेट होगा 45,144, दूसरा टारगेट हमारा होगा 45,222, तीसरा टारगेट जो हमारे के लिए मिलेगा वो होगा 45,333, और लास्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 45,444। तो इसके लिए कल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, जो यहाँ तक का सफर बना सकते हैं। और उसके बाद कल ये भी हो सकता है, देखिए गैप अप ओपन हो जाए और इसी के अंदर मार्केट ओपन हो जाए और उसके बाद इसी का तोड़ा, मतलब 45,444 को तोड़ा, तब हमारा जो टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 45,533, और दूसरा हमारा टारगेट बन सकता है 45,666। तो इसके लिए भी हम लोग कल तैयार हो सकते हैं, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो कल एक्सपायरी का जो मूवमेंट होगा ना वो एक बढ़िया मूवमेंट हो सकता है, तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि कल कैसे हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो भी आज ट्रेड किया ना, तो अच्छे बढ़िया एक मूवमेंट आज कुछ लोगों को मिला, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सी में सबसे बढ़िया मूवमेंट मिला। देखिए यहाँ पे इसी के अंदर हम लोग जो ट्रेड किए थे इसी के अंदर किए थे, और यहाँ से देखिए यहाँ से कितना बढ़िया मूवमेंट आप लोगों को मिल गया। तो यही था आज का ट्रेड, पूरा सीधा के सीधा, मतलब 300 से सीधा के सीधा 600, मतलब सीधा के सीधा 300 पॉइंट का हम लोगों को मूवमेंट मिल गया। तो यही था आज का ट्रेड, तो इस ट्रेड ने हम लोग आज प्रॉफिट मतलब अच्छा तरीके से कमाया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में आज कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो नहीं खुल रहा, मेरा नेटवर्क इशू हो गया है तो इस वजह से। चलिए और क्या मैं बताऊँ कि नेटवर्क इशू हो गया तो
तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मेरा नेटवर्क इशू खत्म हो जाए उसके बाद कुछ देखते हैं कि क्यों नेटवर्क इशू हो गया है आज, मैं पहले देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जरूर कोशिश करेंगे और एक वीडियो आने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।